नमस्कार, मैं उपेंद्र आपका फाइव स्टार किचन में स्वागत करता हूँ। नमकीन खाना लोग बहुत ही पसंद करते हैं, तो आज हम आपको नमकीन मठरी बनाकर बताएंगे। तो इसके लिए हमने सामग्री ली है, 1 कप गेहूं का आटा, 1 कप मैदा, पानी, 1 बड़ा चम्मच अजवाइन, 1 बड़ा चम्मच जीरा, नमक स्वाद के अनुसार, 2 बड़े चम्मच देसी घी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मठरी। बड़ा बाउल लेंगे और उसके अंदर हम गेहूं का आटा डालेंगे, मैदा डालेंगे, जीरा डालेंगे, अजवाइन डालेंगे, नमक डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। घी डालेंगे, घी को बड़े अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। घी के मिक्स करने से ही हमारी मठरी जो है खस्ता बनेगी, यानी कुरकुरी बनेगी। इसे दोनों हाथों से लेकर ऐसे मसाज करेंगे हम, जिससे अच्छे से मैदा और गेहूं का आटा मिल सके और ये हमारी पूरी जो है खस्ता बने। तो घी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं इस तरह से मोयम भी बन रहा है। अब इसमें हम पानी डालेंगे और नॉर्मल डो बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा डो रेडी है। अब इसे हम 15 मिनट के रखेंगे सेट होने के लिए। 15 मिनट हो गए हैं, एक बार और इसे हम गूथ लेंगे। और इसका आधा पोर्शन लेंगे हम इस तरह से। गोल करेंगे और इसे बेलेंगे हम। अब इसे हम काट लेंगे इस तरह से। बाकी स्टार्च जो है उसे निकाल देंगे। अब इस पे घी लगाएंगे। हाथों से लगा लेंगे। और इसके ऊपर हम आटा डालेंगे। गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो मैदा भी डाल सकते हैं इस तरह से। और इसको हाथों से इस तरह से दबा देंगे। और इसे वैसे फोल्ड करेंगे हम और गोल एक रोल बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से घुमाते हुए रोल बना लेंगे हम इसे। थोड़ा घुमा लेंगे इसे और अब इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे इस तरह से। इसका एक टुकड़ा इस तरह से लेंगे हम, बाकी आप चाहें तो अलग रख दें। इसको इस तरह से घुमा लेंगे हम, गोल बनाएंगे। अब नीचे चाहें तो तेल लगा सकते हैं या घी लगा सकते हैं इस तरह से। चकले पे भी घी लगाएंगे थोड़ा और इसे रोल करेंगे इस तरह से। इसको आपको पूरी की तरह बेलना है
और अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो इसे तीन कोन में हमने फोल्ड किया है और इसका आखिरी जो है उसे हम इस तरह से दबा देंगे जिससे कि ये निकले ना, इस तरह से तेज से, और फिर हम इसे थोड़ा सा और बेल लेंगे इस तरह से। और अब इस तरह के चम्मच लेंगे हम और उसे छेद करेंगे इस तरह से जिससे कि हम जब फ्राई करें तो ये फूले ना। इसी तरह का बनाकर हम तैयार करेंगे। मटर को फ्राई करेंगे, तेल हमने काफ़ी गर्म कर दिया है, अब मीडियम आंच करेंगे और इसे फ्राई करेंगे। अच्छे से हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे, तभी मटर हमारी कुरकुरी होगी। पलट लेंगे इसे हम। तो मटर हमारी तैयार हो गई, गोल्डन ब्राउन हो गया, इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी बचे हुए को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, मटरी बनकर तैयार है, काफी कुरकुरी और बहुत ही अच्छी दिख रही है। ये जैसे ठंडी होती जाएगी और कुरकुरी हो जाएगी। पूरी ठंडी होने के बाद में आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रखकर खा सकते हैं महीनों तक। देखिए अभी थोड़ी कुरकुरी कम है लेकिन ठीक है, जैसे ठंडी होगी पूरी तरह से कुरकुरी हो जाएगी। तो हमने आपसे रेसिपी शेयर की है, आप भी हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें जिससे हमारे आने वाले नए नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं कुछ नए वीडियो और नए टिप्स के साथ। धन्यवाद।